वेलकम टू डेली जी के क्विज। शुरू करते हैं आज का क्विज। क्वेश्चन नंबर वन, निम्न में से किस विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है? बिल्स ऑफ विच कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा? आंसर है धन विधेयक यानी मनी बिल। क्वेश्चन नंबर टू, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? इक्वल पे फॉर सेम वर्क इज विच काइंड ऑफ राइट? आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड विथ फ्रीडम ऑफ प्रेस? आंसर इज आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर फोर, भारतीय संसद के भाग कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? आंसर इज लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ इट? आंसर इज राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड हिज पोस्ट टिल प्रेसिडेंट्स ऑर्डर? आंसर है राज्यपाल यानी गवर्नर। क्वेश्चन नंबर सेवन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? आंसर इज 6 इयर्स। क्वेश्चन नंबर एट, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं? हु कैन पार्टिसिपेट इन स्पीकिंग एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बट कांट वोट? आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत एक कल्याणकारी राज्य है यह कहाँ से पता लगता है? इंडिया इज एन वेलफेयर स्टेट, दिस फैक्ट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर है नीति निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर टेन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ गवर्नर इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया? अनुच्छेद 153 यानी आर्टिकल 153। क्वेश्चन नंबर 11, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? Who can remove the member of State Public Service Commission? Answer is राष्ट्रपति यानी President. Question number 12, मुख्यमंत्री वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? Which of the following decides the allowances and salary of Chief Minister?
आंसर है राज्य विधानमंडल यानी स्टेट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? इन एडिशन टू चीफ मिनिस्टर हु एडमिनिस्टर्स द ओथ सेरेमनी ऑफ द अदर मिनिस्टर्स। आंसर है राज्यपाल यानी गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बी अ चीफ मिनिस्टर? आंसर इज 25 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज आंसरेबल टू होम? आंसर इज राज्यपाल यानी गवर्नर। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वॉज इंडियन? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।